और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल आप सभी को। मैं हूँ स्वाति ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वाति अ हैप्पी सोल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट के साथ। आज का थॉट कुछ इस तरह से है कि हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ही ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये वहम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इस थॉट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें जब कोई काम आ जाता है, हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, किसी ने ऑब्वियसली आपको सिखाया ही है, तभी आप उसको ले पाते हो, उस काम को अच्छे से कर पाते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हम उस नॉलेज को शेयर करें। जितना ज़्यादा उस नॉलेज को शेयर किया जाएगा फ्रॉम वन टू वन, और वो आगे किसी और को शेयर करेगा, ऑब्वियसली आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, कभी भी आपको उसमें डिक्रीमेंट तो नहीं दिखने वाला है, राइट? तो क्या करना है कि जब भी आपके पास कोई नॉलेज आती है, कोई आपको अच्छा काम सीख लेते हैं, तो आपके अंदर वो अभिमान नहीं आना चाहिए कि हाँ जी मुझे अब ये काम आ गया है, अब मैं इसमें परफेक्ट हो गया हूँ, अब ये सिर्फ मेरे तक ही रही, इससे आगे किसी के पास ना जाए। तो अगर दिमाग में ये पॉइंट आ गया है, डैट मीन्स वो आपके पास ही रहने वाला है, लेकिन हो सकता है फॉर सम टाइम, फॉर सम पीरियड। लेकिन अगर आप उसको उतना ज़्यादा शेयर करेंगे, उस नॉलेज को उतना ज़्यादा आगे से आगे वन टू वन डिवाइड करते जाएंगे, तो वो नॉलेज जो है आपको और ज़्यादा मिलती जाएगी। जो छोटी छोटी चीज़ उसमें से बेसिक रह जाती हैं, कभी कभी हम दूसरों को सिखाते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छे से आ जाती हैं। तो मन में वो बहन बिल्कुल भी नहीं रखना है कि मेरी ज़रूरत सबको पढ़ने वाली है, सब मेरे पास ही आएंगे, मुझे से पूछेंगे, मैं ही काम करूँगा तभी आगे काम चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक के पास अपने अपना डिफरेंट टैलेंट है, डिफरेंट नॉलेज है, जिसको जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे। तो काम यही है कि नॉलेज को शेयर करो, एक्सप्लोर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको बांटो, लो और लोगों को सिखाते चलो। लेकिन अपने अंदर वो ईगो, वो एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं लेके आना है कि हाँ जी मुझे आ गया, अब मैं किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ ये मुझ तक ही रहे, सिर्फ मैं जानूं और लोग मुझसे पूछने आए कि हाँ ये कैसे हो रहा है, आगे कैसे चल रहा है। तो वो नॉलेज जो ना वो वहीं की वहीं रह जाएगी और आप आगे ग्रो कर ही नहीं पाओगे, और जो आपको सिखाने वाले होंगे वो भी आपको सिखाने से डरेंगे क्योंकि आप आगे बांट ही नहीं रहे हो। और जब आगे चीज़ें नहीं चल रही हैं, वो चीज़ उसकी ग्रोथ जो आगे से आगे होनी चाहिए थी वो वहीं रुक गई है, तो उससे होने क्या वाला है, वो जो ग्रोथ है वो वहीं रुक जाएगी। आपका जो ईगो है, एटीट्यूड है, वो आपको कुछ और सीखने के लिए मजबूर ही नहीं करेगा। आपके अंदर वो जो इच्छा होगी कि हमें कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ नया ट्राई करना है, ये तो हमने सीख लिया, आगे जाएंगे, वो ना ख़त्म हो जाएगी। और जब वो ख़त्म हो गई तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। और एक बच्चा होता है ना छोटा सा, जिसे छोटी छोटी चीज़ें सिखाओ तो वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। अगर माइंड वैसा ही है, जितना ज़्यादा शेयर करेगा, एक्सप्लोर करेगा, तो वो उतनी जल्दी सीखने की कोशिश भी करता है। तो हमें सीखते रहना है। जो माइंड है उसको ईगो और एटीट्यूड, इग्नोरेंस, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ को रोकने वाली हैं, आपकी नॉलेज को और ज़्यादा छोटा करने वाली हैं। हमें नॉलेज को छोटा नहीं करना है, इसको क्या करना है, बड़ा करना है, शेयर करना है, एक्सप्लोर करना है। इसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, सिखाओगे और करते जाओगे, उतना ही अच्छा आप बनते जाओगे। तो ये था आज का बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट, एंड आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। और इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अच्छे से रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।